बहुत अच्छी ला लेती हूँ आप। मैं सोच रही हूँ आपको टेस्ट, आपको भी टेस्ट दिलवा दे, जैसे मामा ड्राइविंग का टेस्ट ले लिया ना, आप भी, आपको भी टेस्ट दिलवा दे साइकिल का, है ना भैया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हमारी डेली ब्लॉगिंग में डे 3 है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो वीडियो थी वो मैंने रूम से ही स्टार्ट कर दी उठते साथ ही, और सबसे पहले दौड़ते साथ मैंने जो है पूरा रूम क्लीन कर लिया, मतलब बेडशीट वगैरह, और यहाँ पर मिले नापिया से। आज फ्राइडे है, आज नापिया जो है शॉवर लेगी। नापिया नहीं नहीं करेगी ना? नहीं। यस नाभी, आप क्यों डरती हो शॉवर लेने से इतना, है क्यों डरती हो आप? क्यों? सारे बच्चे तो शौक से शॉवर लेते हैं। अभी देखो ये मैंने बेड सही किया, ये नाभी के काम सुबह सुबह जंपिंग। नाभी ने नाश्ता क्या करना है, क्या नाश्ता बनाऊंगा आज नाभी के लिए? फ्रोजन पराठा। अच्छा मामा को देखते हैं, मामा कहाँ पे? मामा यहाँ साथ वाले रूम में बैठी हुई है। आप क्या कर रही हो? अभी छोड़ दो ना, मैं कर देती हूँ खुद ही। सारे पूछ रहे हैं मामा का दिल नहीं लगा है? सारे वीडियो में पूछ रहे हैं आपकी मामा का दिल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा सर? देखो मैंने मैंने बताया नहीं किसी को भी, सारे खुद ही सारे खुद ही पहचान गए। नाभिया सब सब कह रहे हैं आपकी नानू को दिल नहीं लगा यहाँ पे, तो आपको क्या अपना नाश्ता? रोटी पका दो। तो फिर क्या खाना? आपने साड़ी सेट की है? थैंक यू नाभिया। चलो अब जल्दी से मामा नाश्ता रेडी करती हैं, आप भी और नानो भी दोनों बाहर आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं पैसे सेट करती हूँ, नानो कपड़े ठीक है? ठीक है, वो वहाँ से अपना स्कार्फ वगैरह सारा गंद वो भी उठाओ। ठीक है नाभिया, बड़ी हो गई ना, मामा की हेल्प करती है ना, माशाल्लाह। मैं मामा की साड़ी है, मैं कपड़े भी पहनती हूँ, मैं पैंट भी चेंज करती हूँ, मैं पैंट में भी जाती हूँ। नाभी नाइने भी करती है ना? है? नाइने भी करती है ना? करती है ना? है नाभिया? नाइने भी करती है ना? अब तो अब नहीं बोल रही आप, अभी तो आपने कहा था मैं तो सारे काम खुद ही करती हूँ। सारे काम खुद ही करती थी और नाइने भी करती, और मैं साफ भी करती होती थी। क्लीन हैंड से क्लीनिंग हो, ये क्या हो रहा है? हैंड से कौन क्लीनिंग करता है नाभिया? डस्टिंग तो कपड़े से होती है, आप तो हैंड से क्लीनिंग शुरू कर दिया आपने। अच्छा ये बताओ ना जरा, आज नाइनिंग करनी है? मैं नहाने का बार बार इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी नहाती है ना इतना रोती है, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, शेम शेम करेंगे सब, सब कहेंगे नहीं नहीं करते हुए नहा रोती है, देखो क्या कर रही है। मामा ने कभी हैंड से डस्टिंग की है? चाकू मौसी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मामा का मज़ेदार सा जो नाश्ता है वो रेडी हो गया था। मामा खुद से तो नहीं बताती हैं लेकिन फिर मुझे खुद ही बनाना पड़ता है, खुद से शर्माती रहती हैं खाने के मामले में भी, लेकिन मैं जो है ना खुद ही बना देती हूँ। तो मामा से कहते हैं कि अभी गर्म गर्म जो है ना नाश्ता कर लें। यहाँ पे जो है ना नाभिया का और मेरा नाश्ता भी बनकर रेडी हो गया था, मैं तो ये दो शाम में खाऊंगी, और नाभिया का जो है ना मैंने फ्रोजन पराठा बना दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय भी बन। चलें फिर अब हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर जो है ना आपको नाश्ते के बाद मिलते हैं। तो जी जैसे कि आज फ्राइडे था तो आज जो है ना मैंने नाभिया के ये वाले कपड़े निकाल लिए। नाभिया आज कमीज शलवार पहनने लगी है नहा के। नाभिया आज कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे जुम्मे का दिन आज। जुम्मा का दिन है जी। अस्सलाम वालेकुम सब। और यहाँ पर देख सकते हैं नाभिया रेडी होकर बैठ गई थी, नाभिया को नहला दिया और नाभिया फ्रेश हो गई है ना। नाभिया बहुत रोती है नहाते हुए, ऐसे नहीं आइस करते,
नबी इतना रोती क्यों हो नहाते हुए? क्यों डरती हो? और नाबी ने नेल पेंट भी लगा लिया। ये जब इसके नेल्स काटने होते हैं ना पाँव के, तो फिर ऐसे ही करके इसके नेल्स कटवाने पड़ते हैं, नहीं तो ये नेल्स नहीं कटवाती। तो फिर इसको यही कहती हूँ नेल पेंट लगाऊंगी तो फिर ये जो है ना नेल्स कटवाती है। नाबी आपके नेल्स देखो कितने प्यारे हो गए अब है ना कट के। नाबी को आज को मीशा वार्ड पर नहीं है। नाबी आप बहुत प्यारी लग रही है। क्या बात करनी थी आपने? तो जी यहाँ पे आज मैं बनाने वाली थी पिज़्ज़ा, तो मेरे पास कुछ चीज़ें जो थी ना वो नहीं थी, मौजूद नहीं थी, तो मैंने जो है ना ये ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया, पहले तो नहीं मैं करती थी इस तरह से, लेकिन जब से आदिल गया ना हज पे, तो तब से जो है ना थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ है क्या मतलब इस तरह से घर पर भी मंगवा सकते हैं। तो आजकल जो है ना आदिल थोड़े बिजी थे, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था इस तरह से, तो वो चीज़ें जो थी ना वो घर पर आ गई थी। तो अब इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं, और पैकिंग भी अच्छी हुई होती है और आराम से मतलब घर बैठे बैठे चीज़ें आ जाती हैं, तो और क्या चाहिए। तो जी ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और घर में जो है ना डिलीवर हो गई हैं, और ये स्पेशल से मंगवाई थी मैंने, उबर ईट से ऑर्डर किया था। तो सबसे मेन जो चीज़ें थी ना वो ये दो चीज़ें थी जो कि मुझे ना चाहिए थी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास फ्लोर नहीं था, तो उसके बगैर तो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा नहीं बन सकता। और ये ऑलिव थे, और बाकी की जो चीज़ें थी ना ये भी ख़त्म हुई हुई थी। ये भिंडी के पैकेट हैं, ये खीरा है, ये धनिया है, वो योगर्ट है, और ये वाटरमेलन और ऑरेंज और ये पेस्ट। तो ये सब चीज़ें थी, थोड़ी सी चीज़ें थी, तो बस ये मंगवाने वाली थी। तो मैंने कहा एक दो चीज़ें मंगवाने के बजाय अब जब आ ही रही हैं तो सारी चीज़ें आ जाएँ, तो और दूसरा चक्कर भी बच जाना था, क्योंकि आदिल आते हैं थोड़ा सा लेट, तो वो फिर आजकल थोड़े मसरूफ़ हुए हुए हैं, तो उस वजह से मैंने कहा कि जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। जब एक सहूलत मौजूद है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो खैर हमें ये सब चीज़ें उठाती हूँ, और साथ साथ ही जो है ना आज जैसे कि फ्राइडे था तो अनाबिया तो नहा के बैठ गई थी, लेकिन अब मैं जो है ना साथ साथ सफाई कर रही हूँ, और क्लीनिंग का डे भी आज, तो आज बस सफाई करेंगे। साथ ही कपड़े जो कल के बल्कि हैंग किए हुए थे बाहर ना, उतारे ही नहीं थे कल, क्योंकि बारिश थी, रात में बारिश थी, तो उस वजह से जो है ना कपड़े ड्राई नहीं थे हुए ना, फिर मैंने उतारे नहीं कपड़े। यहाँ पे मामा को देख सकते हैं, मामा कुरान पाक पढ़ रही हैं, मैं भी बस जो है ना अभी थोड़ा सा काम अपना करके फारिग होकर फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मेरी सफाई जो थी ना ऑलमोस्ट वो सारी हो गई थी, तो यहाँ पे साथ ही जो है ना मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, तो मैं उसकी डो के लिए जो है ना यहाँ पर मिक्सचर सारा इकट्ठा कर रही थी। इसमें जो है ना मैंने 2 कप मैदा ऐड किया है, और पिंच जो है ना इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें शुगर ऐड किया है, और साथ ही अगर आपके पास ड्राई मिल्क है तो उसके 2 टेबलस्पून उसके आप ऐड कर सकते हैं, और साथ ही जो है ना 1 टीस्पून जो है ना आपने इसकी ईस्ट की ऐड करनी है। तो मेरे पास जैसे कि ड्राई मिल्क नहीं है, सो इसलिए जो है ना मैं इसमें जो है ना फ्रेश मिल्क ऐड करूँगी, और इससे जो है ना आटे को गूँधूँगी, और जो बाकी रह जाएगा ना मतलब हाफ कप जो मिल्क ऐड करूँगी, बाकी जो है ना वो जो कमी होगी वो पानी से जो है ना नीम गर्म पानी से आपने आटे को गूँधना है, ठीक है। तो आज अपने लिए जो था ना मैंने ये वाला सूट निकाल लिया था वाइट कलर का, जुमे का दिन है तो मैंने कहा सोचा चलो आज वाइट कलर का पहनते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जलबरी का है, तो इसका फैब्रिक भी अच्छा है, मोटा स्टफ है, ये ऐसे देख सकते हैं, इसका प्रिंट भी जो है ना वाइट कलर है, और ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना कुर्ता लगता है पहना हुआ भी, और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। तो चले जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो ये था आउटफिट जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये मैंने पहन के, मैंने कहा आपको पहन के भी दिखाती हूँ। ये इसके जो साइड से देख सकते हैं चौक जो है ये बंद है, और जैसे फ्रॉक स्टाइल जो है ना ये शर्ट बनी हुई है, ए लाइन भी बोलते हैं आई थिंक इस शर्ट को ना, तो ये उस तरह से स्टाइल बना हुआ है। ये इसके पास हुआ है, प्लेन है जी। इस टाइम जो है ना थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो हम लोग ना यहाँ मैं तो खैर इतना नहीं बैठती, मामा और अनाबिया जो है ना जब धूप सही निकली होती है ना तो इस तरह गराज ओपन करके ना तो ऐसे बैठ जाती हैं चेयर वगैरह रख के। मामा भी इधर बैठी हुई है, हमें फ़ोन पर लगी हुई है साथ पे धूप सेक रही है, तो अनाबिया भी मामा के साथ बैठ जाती है। तो मैं अभी फारिग हुई थी, पिज़्ज़े की तैयारी वगैरह कर रही थी, तो वो करके फारिग हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं भी बैठी हुई हूँ, तो बस धूप का मज़ा ले रहे हैं। अनाबिया अब साइकिल तो बहुत अच्छी चला लेती है अब है,
सोच रही हूँ आपका टेस्ट, आपको भी टेस्ट दिलवा दे, जैसे मामा ड्राइविंग का टेस्ट दे रही है ना, आप भी, आपको भी टेस्ट दिलवा दे साइकिल का है ना भैया, आपको भी साइकिल का टेस्ट दिलवा। अब तो थोड़ी थोड़ी आ गई है वैसे। अच्छा वैसे मोड़ काट लेती है, अदरवाइज पहले नहीं इसको पता नहीं चलता था, सीधी सीधी चलाती थी। वही ना, वो बेहतर हो गई है पहले से। वहाँ पे बड़ा पिज्ज़ा जो था वो तो बन गया था, तो अब ये छोटा पिज्ज़ा जो है ना वो मैंने बनाने के लिए रखा हुआ था। सारी जो है ना इसकी जो पहले वाला पिज्ज़ा ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया। मैं नमाज पढ़ने गई हूँ जैसे ही, तो बाहर आके देखा पिज़्ज़ा जो था ना वो मतलब बन चुका हुआ था काफ़ी देर से, बल्कि डार्क हो गया काफ़ी। तो मैं पहले वाले भी दूसरे वाले पिज़्ज़े के साथ जो है ना खड़े होकर देख रही हूँ। तो अब खैर खाना तो पड़ेगा ही, डार्क हुआ है लेकिन मतलब ठीक ही होगा, नमाज़ पढ़ते पढ़ते पता ही चला मेरे जहन से भी निकल गया। खैर चलें, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। तो ठीक, ये था आज का हमारा खाना, और ये पिज़्ज़ा और वो मिनी पिज़्ज़ा तो छोटा वाला पिज़्ज़ा बनाया था साथ में, और साथ में ये कल की बिरयानी पड़ी हुई थी। तो सब बैठ के यहाँ पर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अब मैं भी बैठती हूँ और हम खाना खाती हूँ। नाभिया का तो पिज़्ज़ा फेवरेट है ना नाभिया। आज नाभिया ने नानो और दादो वाले कपड़े पहने हैं, नानो का बनाया हुआ स्वेटर और दादो का सिया हुआ सूट है ना नाभिया। तो नानी दादी को खुश कर दिया नाभिया। ये क्या डाल रही हो पॉकेट में? देख सकते हैं नाभिया जो है ना मामा के साथ बैठी खेल रही है, इसे मामा को सही ध्यान ले रहा है। नाभिया क्या प्ले कर रही हो नानो के साथ? ये प्ले कर रही हूं। क्या नेकलेस के साथ? ये नेकलेस तो नहीं है, ये मैग्नेट है, ये तो है नाभिया, ये तो मैग्नेट है। ओ नो, खाला को सॉरी कर दिया था फिर आपने? नाभि खाला क्या कहती हैं? खाला कैसे करती हैं फिर? ऐसे करती हैं खाला? आपने खाला से सॉरी की थी? हमारा मजेदार सा चाय का कप रेडी था, मेरा भी, मामा का भी और आदिल का भी। आदिल भी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, तो और नाभिया भी देखे, नाभिया भी सिर खा रही है। नाभिया क्या खा रही हो आप? चॉकलेट बिस्किट। अच्छा वो एक दफा फिर करके दिखा दो, सबको बहुत अच्छा लगा है। हालांकि चक्कर कैसे आते हैं रायका को? सबने सबको बहुत पसंद आया ना भी, जैसे आप करती हो ना। तो ये हमारी आज छोटी सी, आज की छोटी सी वीडियो थी, और उम्मीद करती हूँ आपको हम लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और हर रोज़ जो है ना आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार से वीडियोस लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। अब वीकेंड है, वीकेंड पे अगर हम बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह बाहर जाके भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोगों ने बस मेरा साथ देना है, और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकूँ। तब तक के लिए आप कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।